Good morning, dear students. In our today's science class, we will do the revision of chapter number 4, nervous system. So, what is nervous system? The nervous system is the body's internal communication network, and this system carries and bring messages to and from the brain. तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है. मींस ये मैसेजेस ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक लेके आता है और हमारे बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस ब्रेन तक लेकर के जाता है. तभी हमें चीज़ें समझ में आती हैं और हम उस पर रिएक्ट कर पाते हैं, हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, अपने हैंड से वर्क कर पाते हैं. नाउ विच बॉडी ऑर्गेन्स मेक्स अवर नर्वस सिस्टम? सो द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस द नर्व्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होती हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ब्लू कलर से इंडिकेटेड हैं. देन द ब्रेन विच इज़ द मोटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहीं से सारा मैसेजेस हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, यहाँ पर रिसीव होते हैं मैसेजेस. देन द स्पाइनल कॉर्ड जो कि रेड कलर से डायग्राम में मार्क्ड है. सो दीज थ्री बॉडी ऑर्गेन्स मेक्स अवर नर्वस सिस्टम. Now, what are nerves? Nerves are the thread-like structures spread throughout the body. हमारी body के हर part में thread-like structures, white color के thread-like structures spread हैं, जिनको कि हम nerves बोलते हैं. And what is the work of these nerves? They carry and bring messages to and from the brain. So these nerves, they carry messages to and from the brain. Nerves carry messages from the body parts through the spinal cord to the brain. They also bring messages from the brain through the spinal cord to the body parts. So, body parts से spinal cord तक messages पहुँचाते हैं और spinal cord फिर brain को message transfer कर देता है. या फिर brain से message spinal cord को आता है और spinal cord उस message को हमारे body part तक पहुँचाती है. So, this is the work of the nerves. And the nerves are of three different kinds, which are the sensory nerves, the motor nerves, and the mixed nerves. So now, what is the working of these nerves? So what is the working of sensory nerves? Sensory nerves carry message from a body part to the brain. These nerves allow sensing. Sensory nerves का क्या work होता है कि ये हमारे body part से brain तक मैसेजेस लेके जाती हैं. मींस हमारे हैंड्स हैं, हमारे लेग्स हैं, ईयर्स, आईज, हमारी स्किन, इनसे मैसेजेस हमारे ब्रेन तक लेके जाती है. नाउ द मोटर नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स. दीज कॉज द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस टेकन बाय द बॉडी. और जब मोटर नर्व्स वर्क करती हैं तो इनका क्या वर्क होता है? मोटर. हमें मोटर से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है ना. तो ब्रेन से मैसेज बॉडी पार्ट्स तक आता है. कैसे आता है? ब्रेन पहले मैसेजेस मसल्स को सेंड करती हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी मसल्स तक मैसेज आता है. वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और हमारे बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करती हैं. एंड द लास्ट वन आता मिक्स्ड नर्व्स. तो मिक्स्ड नर्व्स का क्या वर्क होता है कि ये सिग्नल पास करती हैं सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में. वरना क्या होगा कि सेंसरी नर्व तो ब्रेन को मैसेज सेंड कर देगी, लेकिन ब्रेन कोई भी मैसेज रिस्पॉन्स में सेंड ही नहीं करेगा, है ना, अगर ये कनेक्टेड नहीं होंगी. तो इसलिए जब भी सेंसरी नर्व कोई मैसेज ब्रेन को पास करती है तो मिक्स्ड नर्व मोटर नर्व को अलर्ट कर देती है कि अभी ब्रेन से एक मैसेज आता होगा. Next is our brain. So what is brain? Brain is the most important and delicate organ of the body. It is protected by the skull. It is the main control center of our body. The brain controls the body by receiving and giving messages. तो brain जो है ये हमारी body का main control center है. अगर ब्रेन ने वर्क करना छोड़ दिया या अगर ब्रेन डेड हो गया तो अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड. हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, हम मूवमेंट शो करते हैं, हम एज अ लिविंग बीइंग रिएक्ट करते हैं. क्यों? बिकॉज आवर ब्रेन इज़
वर्किंग, अगर ब्रेन ने वर्क करना बंद किया देन वी विल ऑलमोस्ट बी डेड. नाउ द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट पार्ट्स. द बिगर पोर्शन इज द सेरिब्रम. सेरिब्रम इज द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. देन बिलो द सेरिब्रम इज द सेरिबेलम. एंड देन जस्ट नियर टू द सेरिबेलम यू विल सी द ब्रेन स्टेम और द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा. सो द फर्स्ट वन इज द सेरिब्रम. द आउटर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. हमारी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट या सबसे बिगेस्ट पोर्शन जो है वो सेरिब्रम होता है. द सेरिब्रम कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, टॉकिंग. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स के फंक्शन मीन्स जो हमारी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन जो वर्क करती हैं वो क्यों करती हैं? विद द हेल्प ऑफ द सेरिब्रम. सेरिब्रम इनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. इसके अलावा सेरिब्रम हमें थिंकिंग में, मेमोरी, हमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने में या याद रखने में हमें हेल्प करता है. हमारी इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सेरिब्रम की वजह से होती है ना. लर्निंग हम करते हैं कोई भी चीज़ या अगर कोई भी चीज़ सोच पाते हैं तो वो सब सेरिब्रम की वजह से होता है. और इफ़ वी आर एबल टू टॉक, वी आर एबल टू रिस्पॉन्ड, देन इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ अवर सेरिब्रम. देन द नेक्स्ट पोर्शन इज द सेरिबेलम. द पार्ट बिलो द सेरिब्रम इज द सेरिबेलम. द सेरिबेलम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी. प्लेइंग, रनिंग, मूविंग हैंड, राइडिंग अ बाइक एंड अदर मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाई द सेरिबेलम. तो सेरिबेलम जो है एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है. और इसका वर्क क्या होता है कि ये जितने भी हमारे वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस मींस जो एक्शंस हम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे कि चलना, या फिर आप जंप कर रहे हैं, या फिर आप बाइसिकल राइड कर रहे हैं, या फिर आप खेल रहे हैं, अपने हैंड्स को मूव कर रहे हैं, लेग्स को मूव कर रहे हैं ना, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं, तो ये सारे एक्शंस जो हैं ये वॉलेंट्री एक्शंस हैं. और ये सब कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी. इट कंट्रोल्स द मसल्स फॉर ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एक्सेट्रा. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या वर्क होता है कि ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है. इनवॉलेंट्री फंक्शंस मीन्स द फंक्शंस विच आर नॉट परफॉर्म्ड विद आवर विल. जैसे ब्रीथिंग है ये हमारी मर्जी से नहीं होती है, इट कंटिन्यूसली गोज ऑन इन आवर बॉडी. या हमारी हार्ट बीट है, हमारा बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है या सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है ना, तो ये सब इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के. और इन्हें कौन कंट्रोल करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज टॉपिक्स. नॉट टुमारो वी विल डू द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट टू टॉपिक्स दैट आर द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेंस ऑर्गन्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.